गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल अंडरस्टैंड विंडो 10। व्हाट इज विंडो 10? विंडो 10 इज वन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल स्मॉल टैबलेट्स, विंडो फोन, कंप्यूटर। जो विंडो 10 है वो इन सभी प्लेटफॉर्म में को सपोर्ट करता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गए, स्मॉल टैबलेट हैं, कंप्यूटर हैं, ये सभी में परफॉर्म करता है, सभी में इसे यूज कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में इसे चला सकते हैं विंडो 10 को, कंप्यूटर में ये चलता है, टैबलेट है उसमें चल सकता है, मिनी टैबलेट है, और जो भी इस तरह के हमारे पास जो भी डिवाइस है उनको, उनमें सब में चलता है, सभी को सपोर्ट करता है विंडो 10। और आजकल यही कंप्यूटर में चलता है, इसी को, इसी में हम कंप्यूटर में हम यही यूज करते हैं विंडो 10 को। विंडो 7 जो था, 8 जो थे, वो अब नहीं चलते, बंद हो गए हैं। तो विंडो 10 हम जब ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन ओपन होती है, जिस सबसे नीचे स्टार्ट बटन है वहाँ पर हम क्लिक करके हमारे पास प्रोग्राम की लिस्ट आ जाती है, और वहाँ से हमें जो प्रोग्राम ओपन करना हो उस पर क्लिक करते हैं और प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो जाता है। और कुछ प्रोग्राम के जो आइकन है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, यहाँ से भी हम उन्हें डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। न्यू फीचर्स, इसमें जो न्यू फीचर्स हैं, स्टार्ट मेनू है, कोर्टाना है, प्रोजेक्ट स्पेक्ट्रम ब्राउजर है, इम्प्रूव्ड मल्टी टास्किंग है, एक्शन सेंटर, कंटिन्यूम और वर्चुअल डेस्कटॉप, ये सब इसमें थोड़ा सा इन्होंने ऐड किए हैं जो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। द स्टार्ट स्क्रीन, व्हेन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन यू गेट टू पैनल साइड बाय साइड विद द लेफ्ट कॉलम सोइंग पिंड रिसेंटली एडिट एंड मोस्ट यूज्ड एप्स। जब हम इसमें विंडो 10 हम ओपन करते हैं तो हमारे पास लास्ट में कॉर्नर में छोटा सा जो बटन दिखाई देता है स्टार्ट बटन, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होता है, और वहाँ पर हमें प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है, जिसे हम स्क्रॉल करके नीचे और भी प्रोग्राम होते हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं कौन से प्रोग्राम है और हमें कौन सा ओपन करना है, वो हमें वन बाय वन वहाँ पे दिखाई देते हैं। और स्क्रीन पे हमें कुछ आइकन भी दिखाई देते हैं, वहाँ से भी हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें दिखाई देता है कोर्टाना पर्सनल असिस्टेंट, ये कि जो इसमें वर्क करता है, जैसा हमने स्मार्टफोन देखे उसमें हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है, उसमें हम कोई भी हमें सर्च करना है तो हम उसमें डायरेक्टरी वॉइस के द्वारा उसमें सर्च कर सकते हैं, या फिर हम उसमें टाइप करके भी कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी हम इसे यूज करते हैं कोर्टाना, इसमें हम वॉइस से या फिर हम उसमें रिटर्न के द्वारा उसमें हम सर्च कर सकते हैं, हमें कोई भी सर्च करना है तो हम वहाँ पर वो सर्च कर सकते हैं, वो हमारे सामने आ जाएगा। कोर्टाना सिमिलर एज गूगल नाउ इज फीचर्स विच हेल्प यू फाइंड एनीथिंग बाई योर वॉइस, यू जस्ट नीड टू से है कोर्टाना, विद हेल्प ऑफ कोर्टाना वी कैन सर्च एनी थिंग्स लाइक क्रिकेट स्टोर, ट्रेन टाइमिंग, न्यूज पेपर एक्सेट्रा। तो हमें क्या कहना होता है, यहाँ पर है कोर्टाना कहना होता है और हमारे पास वो आ जाता है, इसका आइकन आ जाता है, वहाँ पर हम सर्च करके वॉइस के द्वारा या फिर टाइप करके हम कुछ भी न्यूज़पेपर, क्रिकेट या फिर कोई और हमें एप्लीकेशन सर्च करनी है, कोई और फाइल हमें सर्च करनी है तो हम वहाँ पे वो टाइप करेंगे, हम वहाँ पे वो वॉइस के द्वारा उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम, इंटरनेट एक्सप्लोरर विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूली अनाउंस स्पेक्ट्रम, द न्यू फीचर्स इंक्लूड PDF सपोर्ट, ए रीडिंग मोड, द इम्प्रूव्स द लेआउट ऑफ लॉन्ग आर्टिकल एंड न्यू नोट्स टेकिंग फीचर्स। इसमें अब विंडो ने स्पेक्ट्रम एक एप्लीकेशन दे दी है जिसके द्वारा हम कुछ सर्च भी कर सकते हैं, और जैसे हमारी PDF फाइल्स हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है, उन्हें भी ये ओपन कर लेता है। पहले हमें अलग से एक ब्राउज़र, उसमें अलग से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी, तो लेकिन अब हम इसके द्वारा भी हम वहाँ पर PDF फाइल ओपन कर सकते हैं और उन्हें हम पढ़ सकते हैं, जो डाउनलोड हमने अगर कर दी है तो उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो ये इसमें इन्होंने नया फीचर से दिया है।
इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग, इसमें एक और उन्होंने फंक्शन दिया है विंडो 10 इम्प्रूव द मल्टीटास्किंग सिस्टम, वी कैन यूज टू डिफरेंट एप्लीकेशन एट द टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम। हम इसमें एक ही टाइम में दो या दो से अधिक एप्लीकेशन उसमें प्ले कर सकते हैं, एक साथ हम उसमें ओपन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और दोनों ही चलेंगी, दोनों सपोर्ट करेंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले एक से ज़्यादा एप्लीकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आती, तो विंडो 10 में ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। तो एक साथ हम दो या दो से अधिक एप्लीकेशन इसमें चला सकते हैं, ये इसे सपोर्ट करता है, और इजीली हम उस पर वर्क कर सकते हैं वन बाय वन, या फिर दोनों को हम एक साथ भी उसमें ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत से अपडेट हमें विंडो ने दिए हैं, विंडो 10 ने, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं, मोबाइल में कर सकते हैं, टैबलेट में कर सकते हैं, मिनी लैपटॉप में कर सकते हैं, या और भी डिवाइस अगर हमारे पास कोई है तो उसमें हम विंडो 10 को यूज कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फिर सभी को सपोर्ट करता है, और सभी डिवाइस में ये चलता है, सभी को सपोर्ट करता है, और इसमें बहुत से लेटेस्ट फंक्शन दिए हैं जिसके द्वारा हम इजीली वर्क कर सकते हैं, और हमारा वर्क जो है और इजीली हो गया है, उसे हम आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने कमांड बताई हैं इनके द्वारा हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कमांड समझी विंडो की, ये इसमें दिए थे। स्टार्ट मेनू में इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, कोर्टाना है प्रोजेक्ट, इस फर्टन ब्राउजर है, मल्टीटास्किंग इम्प्रूवमेंट है, एक्शन सेंटर है, कंटिन्यूम है, और विचुअल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में भी बहुत से इन्होंने अपडेट दिए हैं, और इसे हमें बार बार अपडेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है विंडो 10 को। तो ये था हमारा विंडो 10, और इसमें क्या फीचर्स हैं ये हमने समझे, और किस तरह से हम इसे यूज करते हैं, किस तरह से ये हमें हेल्प करता है, और इसे हम सबसे मेन बात है कि इसे हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सभी जगह में इसे यूज करते हैं, ये सभी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। ओके क्लास, थैंक यू।